गुड मॉर्निंग। ये हम टॉपोलॉजी का यूनिट टू का थर्ड पार्ट ये हम आज देखेंगे। लास्ट मैंने आपको कराया था, ये मैं करा चुका था, ये एक थ्योरम मैंने कराई थी, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था। इससे पहले जो हम चल रहे थे फ्रंटियर ए नॉट ए, ये सब हम मैं करा चुका हूँ। एक एग्जांपल था ये, शो दैट फॉर एनी फैमिली ऑफ टॉपोलॉजी फॉर एक्स देयर एग्जिस्ट एन यूनिक टारगेट लार्जेस्ट टॉपोलॉजी विच इज़ स्मॉलर देन ईच मेम्बर ऑफ द फैमिली, यानी सबसे छोटी होती है। ये मैं एग्जाम्पल पूरा यहाँ तक मैं करा चुका था। अब एक और एग्जाम्पल हम इसमें देखें कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ एन टॉपोलॉजिकल स्पेस डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट स्पेस इन विच ओपन सेट्स आर एज एग्जैक्टली द सेम एज क्लोज सेट, यानी कि जिसमें ओपन सेट क्लोज सेट के बराबर हो, ये हमें एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ एन टॉपोलॉजिकल स्पेस। अब हम देखें इसमें कि हमने एक एक्स आर को मान लिया, हमने यानी कि एल नंबर सिस्टम को हमने मान लिया। अब एक टॉपोलॉजी डिफाइन की सारे के सारे सेट्स की जी दैट इज़ कंटेंट इन आर फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी। इस तरह से डिफाइन की कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जी के, माइनस एक्स बिलोंग्स टू जी यूनियन, यानी कि एक वाला एक सेट तो यहाँ तक का हो गया, माइनस एक्स बिलोंग्स टू जी यूनियन फाई, यानी फाई को ओवर एड कर दिया हमने। तो ये हमने एक टॉपोलॉजी डिफाइन की कि सारे के सारे माइनस एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फाई। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट आर टी इज ए टॉपोलॉजिकल स्पेस। पहला चीज़ था टॉपोलॉजिकल स्पेस प्रूव भी करना है, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल हमने मान लिया, ये वाला एक एग्जाम्पल हमने मान लिया है टी वन, यानी इसके लिए वापस से वो तीन प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी पड़ेंगे, टी वन टी टू टी थ्री। तो हमें डेफिनेशन से क्या है कि फाई बिलोंग्स टू टी, ये हमें दे ही रखा है। आर बिलोंग्स टू टी, पूरा पूरा आर भी टी में है क्योंकि एक्स टी में है। सो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर, चूँकि रियल नंबर सिस्टम पे पूरा माइनस से प्लस तक पूरा होता है, तो जब एक्स आर में है तो माइनस एक्स भी आर होगा, तो टी वन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी टी टू के लिए हम देखें कि जी वन जी टू दो हमने एलिमेंट ले लिए टी के। वी शैल प्रूव दैट जी वन इंटरसेक्शन जी टू इज ऑल्सो कंटेंट इन टी, ये हमें प्रूव करना है। अब कोई भी एक एलिमेंट ले लिया हमने जी वन इंटरसेक्शन जी टू में, तो एक्स जी वन में भी होगा और एक्स जी टू में भी होगा। जब एक्स जी वन में है तो माइनस एक्स भी जी वन में होगा बाई द प्रॉपर्टी ऑफ जी, तो माइनस एक्स दोनों में होगा। सो जी वन इंटरसेक्शन जी टू भी टी पे होगा, तो डी टू भी ऑल्सो सेटिस्फाई होगी। अब टी थ्री के लिए हम देखें कि कोई भी जी लेमडा हमने टी में लिया, लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा, वेयर डेल्टा इज एन आर्बिट्रेरी सेट। अब हमें प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ ऑल जी लेमडा दैट इज कंटेंट इन लेमडा बिलोंग्स टू डेल्टा बिलोंग्स टू टी, यानी कि यहाँ पर हम इंटरसेक्शन प्रूव करते हैं इन पर पूरे में, और यहाँ पर हम यूनियन प्रूव करते हैं। अब हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया यूनियन में, इन सब के यूनियन में, उस वो एलिमेंट हर एक जी लैम्डा में, किसी न किसी एक जी लैम्डा में होगा, फॉर सम जी लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, जब उसमें है तो माइनस एक्स भी उसमें होगा, तो माइनस एक्स सारे के सारे यूनियन में भी होगा। तो इसका मतलब हमने डी मॉर्गन्स लॉ से यूनियन को हम बाहर कर दिया कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा कंटेंट इन टी, तो टी थ्री भी सेटिस्फाई हो गए। टी वन टी टू टी थ्री तीनों सेटिस्फाई हो गए, तो टी इज ए टॉपोलॉजी। नाउ वी शैल प्रूव दैट एवरी ओपन सेट इज क्लोज सेट, के सारे के सारे ओपन सेट क्लोज सेट भी होगा। तो हमने क्या किया है कि जी कोई भी ओपन सेट ले लिया हमने, वी शैल शो दैट जी इज ए क्लोज सेट। तो जी हमने जी क्लोज सेट हमने प्रूव करना है, तो जी डैश इसका ओपन सेट हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो एक्स हमने जी डैश में ले लिया, तो एक्स जी में नहीं होगा, तो माइनस एक्स भी जी में नहीं होगा, इसका मतलब माइनस एक्स को जी डैश में होगा, तो जी डैश टी में होगा। सो डी जी जी डैश इज एन ओपन सेट, सो जी इज एन क्लोज सेट, तो जी डैश ओपन है तो जी क्लोज है। सिमिलरली वी कैन से दैट एवरी क्लोज सेट इज एन ओपन सेट। इसी तरह से बिल्कुल हम उल्टा भी कर सकते हैं इसका प्रूफ, तो उल्टा भी बिल्कुल सिंपल उसी तरह से। यहाँ पर हमने जी डैश पर लिया है, वहाँ पर हम यहाँ पर हमने कोई भी ओपन सेट लिया है, वहाँ पर हम क्लोज सेट लेकर के इसी प्रॉपर्टी को हम दोबारा से प्रूव कर सकते हैं। अब आता है डेफिनेशन, लोकल बेस ऑफ ए पॉइंट और बेस फॉर द नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट, यानी कि लोकल बेस किसी पॉइंट का लोकल बेस या किसी नेबरहुड सिस्टम किसी पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम का बेस, ये क्या होता है। एक डेफिनेशन है कि एक्स टी एक टॉपोलॉजिकल स्पेस हमने ले ली, ठीक है, ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी एक्स ऑफ टी नेबरहुड ऑफ एक्स इज कॉल्ड बेस फॉर टी नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स और लोकल बेस, यानी इसको हम टी नेबरहुड सिस्टम का बेस कह सकते हैं या लोकल बेस कह सकते हैं। एट एक्स
इफ एंड ओनली इफ एवरी टी नेबरहुड एन ऑफ एक्स देर एग्जिस्ट, यानी कि हर एक एन के लिए जो एक्स का एन है उसके लिए एक बी भी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट बी कंटेन एन एन, यानी ये एक लोकल बेस होगा हर एक एक्स का। मीन्स आपके पास ये कोई आप बड़ी चीज़ ले लें दैट इज़ एन, ये एन है, तो ये मान लीजिए एक्स कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो इसका एक यहाँ पर भी ये बी हो जाएगा, बी भी हमें इस तरह का मिल जाएगा। सो बी एक्स इज कॉल्ड ए फंडामेंटल सिस्टम, बी एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए फंडामेंटल सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स, तो ये भी कहते हैं हम इसको। इसका एक एग्जाम्पल देखें कि ए बी सी डी ई कोई भी एक एक्स एलिमेंट लिया और टी इस पर टॉपोलॉजी डिफाइन की हमने, फाई ए ए बी ए सी डी ए बी सी डी और ए बी ई और एक्स, यानी हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात एलिमेंट की हमने एक टॉपोलॉजी डिफाइन की है, ये एक टॉपोलॉजी है। देन फाइंड लोकल बेस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स, हर एक के पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, इन सब पर लोकल बेस हमें निकालना है। अब सबसे पहले एन ए, ए का लोकल बेस क्या होगा, ए इट सेल्फ, ए बी ए सी ए डी, जिस जिस पर ए है ना सारे के साथ कॉम्बिनेशन, और एक्स इट सेल्फ ये सारा का सारा। सो बेस ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसमें बी ए यानी पूरे पूरे ए का सेट और ए ए बी और ए बी सी, ये हमारे पास इसके लोकल बेस भी हो जाएंगे। अब इसी तरह से हम बी का निकाल सकते हैं, नेबरहुड ऑफ बी, नेबरहुड ऑफ बी क्या होगा, जिसमें बी है ए बी ए बी सी ए बी डी ए बी सी ए बी ई ए बी सी डी ए बी सी ई ए बी डी ई और एक्स। इसी तरह से हम नेबरहुड ऑफ बी दैट इज ऑल्सो कंटेनिंग ए बी, यानी कि दिस इज बी ऑफ बी, यानी लोकल बेस गलत लग गया यहाँ पर, दिस इज बी ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पर एक लोकल बेस हमने इसका ले लिया। इसी तरह से हम सी का निकाल सकते हैं, इसका टोटल पूरा नेबरहुड सिस्टम क्या होगा, ए सी डी ए बी सी डी ए बी सी ई एक्स, तो हम बी इसका लोकल बेस भी निकाल सकते हैं, लोकल बेस हमने एक ए सी डी ले लिया हमने। इसी तरह से हम एन डी का निकाल सकते हैं, ये एन डी का निकाला है, ये इसका बी डी, इसी तरह से एन ई का निकाला है और बी ई, तो हमने सारे एलिमेंट्स इसके जो पाँचों एलिमेंट थे ए बी सी डी ई, उन सब का हमने नेबरहुड सिस्टम भी निकाल दिया और उन सब का हमने लोकल बेस भी निकाल दिया। तो एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। इसका एक और एग्जांपल देखें हम कि एक्स डी बी ए डिस्क्रीट स्पेस, कोई भी डिस्क्रीट स्पेस ले लिया और लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, बी एक्स इक्वल टू आपके पास एक्स का सेट ले लिया हमने, यानी एक्स सेट का ही बना दिया हमने, फॉर्म ए लोकल बेस एट एक्स, ये एक लोकल बेस बनाएगा इसका। अब प्रूव करें इसको हम कि एन इज एनी डी नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी डिस्क्रीट नेबरहुड ऑफ एक्स हमने एन ले लिया है, दैट इज एन इज कंटेन्ड इन एन एक्स, एन इसके एन एक्स के अंदर होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए डी ओपन सेट, डी ओपन सेट डिस्क्रीट ओपन सेट होगा कि एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स, सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स कंटेन्ड इन एन, हेंस बी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर्म से लोकल बेस एट एक्स, इसका लोकल बेस हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस हिसाब से आप कर लें। गोखरू की बुक में एक सिस्टमेटिकली दे रखे हैं ये सारे, ये उसमें से भी आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल देखें कि एक्स टी एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स कोई भी एक एलिमेंट ले लिया एक्स में, शो दैट द कलेक्शन बी एक्स ऑफ ऑल टी ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स इज ए लोकल बेस एट एक्स, यानी कि हमने कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस लिया, एक कलेक्शन ले लिया बी एक्स ऑफ ऑल टी ओपन सबसेट, यानी कि टॉपोलॉजिकली ओपन सेट्स हैं जिसमें कि एक्स शामिल है, ये जो टी ओपन सेट्स है बी एक्स है, ये एक इसका लोकल बेस भी होगा। अब एन बी एनी टी नेबरहुड ऑफ एक्स, कोई टी नेबरहुड ऑफ एक्स ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट अ टी ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेन इन एन, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ओपन सेट लिया हमने तो ओपन सेट की डेफिनेशन से कोई भी जी होगा वो एन के अंदर होगा, चूँकि एक्स जी में है और जी ओपन सेट है टी ओपन सेट है, तो जी इज कंटेन इन बी एक्स, दस फॉर एवरी टी नेबरहुड एन ऑफ एक्स वी हैव जी बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट जी कंटेन इन एन, बी एक्स इज ए लोकल बेस ऑफ एक्स, तो इसका लोकल बेस हो जाएगा। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज, लोकल बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं,
इसमें हम स्टार्ट करने पे सबसे पहले एक थ्योरम है, थ्योरम 2.1 हम एग्जांपल लें कि एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट बी एक्स बी ए लोकल बेस एट एनी पॉइंट एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसका हमने लोकल बेस ले लिया। देन बी हैक्स एक्स हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज होंगी बी नॉट, तो बी एक्स नॉट इक्वल टू फाइव नॉन एम्प्टी होगा, बी इज कंटेन इन बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, इफ ए इज कंटेन इन बी एक्स एंड बी इज कंटेन इन बी एक्स देन देर एग्जिस्ट सी कंटेन इन बी एक्स सच दैट सी कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी, सी ए इंटरसेक्शन के बी के अंदर भी होगा। और बी थ्री प्रॉपर्टी है इसकी, इसमें से इंडिपेंडेंटली भी पूछी जा सकती है और कंबाइंड भी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए इज कंटेन इन बी एक्स देन देर एग्जिस्ट ए सेट बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और दैट इज ऑल्सो कंटेन इन एक्स एंड सच दैट कि फॉर एवरी पॉइंट वाई बिलोंग्स टू बी, यानी किसी भी वाई बी के लिए सी बिलोंग्स टू बी बाई सेटिस्फाइंग सी इज कंटेन इन बी। ठीक है, अब इसका हम एक प्रूफ लें। बी नॉट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बी टू और बी थ्री हम लें, बी वन शायद मिस हो गया गलती से, मैं इसको बता दूंगा आपको। तो बी टू हम लें कि लेट ए इज कंटेन इन बी एक्स एंड बी इज ऑल्सो कंटेन इन बी एक्स एंड ए एंड बी आर टी नेबरहुड ऑफ एक्स, चूँकि बी एक्स लोकल बेस है तो एक देर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट सी इज कंटेन इन इंटरसेक्शन बी। तो एक ऑब्वियस लॉजिकल फ्रेमवर्क है ये, उस तरह से आप कर सकते हैं इसको। बी थ्री इसकी प्रॉपर्टी लें, लेट ए इज कंटेन इन बी एक्स, ए इज ए टी नेबरहुड ऑफ एक्स, दे आर एग्जिस्टेड टी नेबरहुड ऑफ बी ऑफ सेट नेबरहुड ओपन सेट टी नेब ओपन सेट बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी कंटेन इन ए, सिंस बी इज ए टी ओपन सेट सो बी इज नेबरहुड ऑफ इट्स एवरी पॉइंट सो बी कंटेन इन एन वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। Now B by is a local base at Y and B is a neighborhood of Y, then there exists a C contained in B by such that C contained in B। तो एक logical deductions हैं एक दूसरे के साथ में, तो इस तरह से हम B1, B2, B3 कर सकते हैं। बी एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव एक ओबियस सी चीज़ है और B इज कंटेन इन बी एक्स तो X belongs to B, यदि इसके कोई basis में ले लिया हमने वो इसके नेबरहुड में है तो एक्स भी उसके बेसिस में होगा ही होगा। तो दोनों बी वन बी टू बी जीरो बी वन एक ऑब्वियस सी चीज़ें हैं। अब एक नई डेफिनेशन, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ये क्या होता है, ए टॉपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेट टू बी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इफ एवरी पॉइंट ऑफ एक्स हैज ए काउंटेबल लोकल बेस, यानी कि सारे के सारे पॉइंट एक्स के पॉइंट का काउंटेबल लोकल बेस होगा तो ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। एक एग्जांपल है, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि एवरी डिस्क्रीट स्पेस एक्स डी एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी के साथ हमने लिया है इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, ये फर्स्ट काउंटेबल है यानी कि इसका मतलब काउंटेबल लोकल बेस होंगे। चूँकि माना हमने कोई भी एक एक्स एलिमेंट ले लिया एक्स का, तो सॉरी देन कोई भी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू डी सो एक्स इज ए डी ओपन सेट डिस्क्रीट टोपोलॉजी में है सो एक्स इज द नेबरहुड ऑफ एक्स, ऑल्सो एवरी नेबरहुड एन ऑफ एक्स इज सुपर सेट ऑफ एक्स, नेबरहुड होगा तो उसमें एक्स के साथ साथ ये नेबरहुड है ये कोई भी, तो इसमें और भी सारे के सारे पॉइंट कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं। हेंस फॉर ई एन बिलोंग्स टू एन एक्स वी हैव सेट x such that x contain in n, therefore x is a local base for x. Now x is a singleton set, ये singleton set है so it is countable, singleton आप count उस कर सकते हैं। Thus the discrete space xt has a countable base for each x belongs to x, hence the discrete space xt is a first countable space। एक और example देखें हम कि शो दैट ए टोपोलॉजिकल स्पेस आर यू, यानी कि आपके पास रियल लाइन सिस्टम और यूजुअल टोपोलॉजी ली है इज ए फर्स्ट काउंटेबल, रियल लाइन सिस्टम और यूजुअल टोपोलॉजी के साथ में फर्स्ट काउंटेबल है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि आर यू इज ए
फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, आर यू फर्स्ट काउंटेबल है। फॉर दिस वी शैल शो दैट बी एक्स, हमने एक तरह से लिया x माइनस वन अपॉन एन और x प्लस वन अपॉन एन, यहाँ पे n बिलोंग्स टू n है, n जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, यानी कि ये कंबाइंड होते चले जाएंगे। इज ए काउंटेबल लोकल बेस एट ईच x बिलोंग्स टू R, यानी कि एक काउंटेबल लोकल बेस है। अब स्टार्ट करें कि n n x के अंदर है और n इज ए यू नेबरहुड ऑफ x, यानी यूजुअल टॉपोलॉजी के साथ में इसका नेबरहुड भी है। सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट g सच दैट x कंटेंड इन g और दैट इज ऑल्सो कंटेंड इन n, वो n के अंदर भी होगा, यानी कि इस सेट को हमने लिया तो g में है तो n के अंदर भी होगा। चूँकि g इज ए टी ओपन सेट, सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ओपन सेट है, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो। रियल नंबर सिस्टम पर हम एक एप्सिलॉन की टर्म्स के साथ में प्रूव कर सकते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो हमने लिया सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन इसके बीच की जो पूरी रेंज है दैट इज ऑल्सो कंटेंड इन जी। नाउ चूज एन बिलोंग्स टू एन सो लार्ज, इतना बड़ा लेना है कि वन अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन, देन x बिलोंग्स टू x माइनस वन अपॉन एन और x प्लस वन अपॉन एन कंटेंड इन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन और दैट इज कंटेंड इन g, यहाँ पे हमने ले लिया और g n के अंदर है, तो एक पूरी सीरीज बन गई यहाँ पे, देखिए कि वन अपॉन एन से लेकर के यहाँ तक एक सीरीज बन गई। दस फॉर ईच नेबरहुड n ऑफ x देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस वन अपॉन एन x प्लस वन अपॉन एन इज कंटेंड इन n, सो बी एक्स इज ए लोकल बेस एट x। क्लियरली बी एक्स इज काउंटेबल क्योंकि आप n काउंटेबल होता है, सारा के सारा ये काउंटेबल नंबर का सेट है तो काउंटेबल है, बी एक्स इज काउंटेबल, सो आर यू इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो ये हमने एक प्रूव कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। अब एक डेफिनेशन है बेस फॉर टॉपोलॉजी, अभी हमने लोकल बेस या पॉइंट का बेस हमने निकाला था, बात की थी, अब हम टॉपोलॉजी का बेस वो कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्स टी बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस, ए कलेक्शन बी ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेट टू फॉर्म ए बेस फॉर टॉपोलॉजी टी इफ एंड ओनली इफ बी इज कंटेंड इन टी, पहली चीज। फॉर ईच पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ईच नेबरहुड एन ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम बी कंटेंड इन बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी कंटेंड इन एन, तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं कि बेस पूरा पूरा टी में होगा और कोई भी एक्स का नेबरहुड में भी एक बेस हमें मिल सकता है। अब एक एग्जांपल लें कि एक्स टी बी ए डिस्क्रीट स्पेस देन द कलेक्शन बी दैट इज द ऑल सिंगलटन सेट्स ऑफ एक्स टाइप ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स यानी सिंगलटन सेट है सारे कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सिंगलटन सबसेट्स ऑफ एक्स इज ए बेस फॉर डी, यानी सारे के सारे सिंगलटन सेट्स का सेट वो बेस बनाता है। चूँकि ईच सिंगलटन सेट इज डी ओपन डिस्क्रीट टोपोलॉजी के साथ ओपन है, सो देन बी इज कंटेंड इन डी। ऑल्सो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ईच नेबरहुड एन ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट का कंटेंड इन एन, हेंस बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सिंगलटन सेट्स दैट आर कंटेंड इन एक्स इज ए बेस फॉर डी। तो ये सिंपल सा प्रूफ है, स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब दूसरी डेफिनेशन है सेकेंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है, ए टॉपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेट टू बी ए सेकेंड काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टॉपोलॉजी टी, यानी काउंटेबल बेस होगा टॉपोलॉजी के लिए। द स्पेस आर यू इज सेकेंड काउंटेबल एक एग्जाम्पल है, अभी तो हमारे पास ये डेफिनेशन हमने दी यहाँ पे काउंटेबल बेस होगा यहाँ पर, अभी एक एग्जाम्पल है कि द स्पेस आर यू इज सेकेंड काउंटेबल, आर यू सेकेंड काउंटेबल होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए कि बी बी द कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स विद रैशनल एंड पॉइंट्स, यानी कि हमारे पास रैशनल एंड पॉइंट्स का एक कलेक्शन है ये। क्लियरली बी इज ए काउंटेबल फैमिली ऑफ यू क्योंकि रैशनल नंबर काउंटेबल्स में है, ओपन सेट यू ओपन सेट लेट जी बी एन यू ओपन सेट कंटेन इन एक्स कंटेनिंग एक्स, हमने जी कोई भी एलिमेंट सेट ले लिया जो कि जी एक्स को है एक्स उसमें है, तो देन देयर एग्जिस्ट टू रैशनल नंबर्स दो रैशनल नंबर होंगे ए और बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी के बीच में होगा और दैट इज कंटेंड इन जी। दस फॉर ईच यू ओपन सेट जी एंड ईच एक्स बिलोंग्स टू जी
देयर एग्जिस्ट ए बी, यानी कि वो सेट हम निकाल सकते हैं, यानी दो रैशनल नंबर ए और बी हम निकाल सकते हैं जिनके बीच में कि एक्स होगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी कंटेनिंग जी, हेंस बी इज काउंटेबल बेस फॉर यू, सो देयर फॉर आर यू इज ए सेकेंड काउंटेबल बेस। थैंक यू। अब इससे आगे का हम आगे के थियोरम्स हम अगले लेक्चर में लेंगे। यहाँ पे मैंने अभी तक आपको टोपोलॉजी की बेसिक डेफिनेशंस, टोपोलॉजी में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी, उसके बाद टोपोलॉजी कैसे प्रूव करते हैं, यानी कि आपके पास वो तीन प्रॉपर्टी हैं T0, T1, T2, T3, वो एक जनरल फंडामेंटल रूल है उसको कैसे प्रूव करते हैं वो मैंने आपको बताया। साथ में अभी जो सेकेंड यूनिट में है इसमें हमने ये भी देखा हमने कि लोकल बेस क्या होता है, काउंटेबल स्पेस क्या होता है, फर्स्ट काउंटेबल क्या होता है, सेकंड काउंटेबल होता है, ये सब भी हमने देख लिया। इसलिए अब इससे आगे का थोड़ा सा समझने के लिए है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिकल भी हो जाएगा, आपको ध्यान से आगे समझना है। इससे आगे हम लेक्चर अगली बार लेंगे।